वो माया में पड़ा हुआ इंसान भगवान को देख पाएगा नहीं। भक्ति भावना से भगवान को पाया जाता है। भगवान को देखना ये आसान चीज़ नहीं होती है, पर ये वृंदावन एक ऐसी भूमि है, गोलोक भूमि, जहाँ विष्णु भगवान स्वयं कृष्ण रूप में आके और यहाँ गौ सेवा करके गए, तो गोलोक भूमि कहते हैं इस भूमि को। पर आप इस भूमि को अगर 4 फीट खोद दोगे तो यहाँ क्या मिलेगा? वृंदा नाम है तुलसी का, वन नाम जंगल का है। तुलसी वन को कहते हैं वृंदावन, गांव शहर को नहीं। अब यहाँ भक्त आया तो वो आया क्या के लिए? रिक्शे में बैठ के घूमने को। अगर उसको यहाँ राधे के चरणों की धूल नहीं मिली तो आना व्यर्थ है। तो कुंज गलियों के दर्शन करना भक्तों के लिए जरूरी होता है। अच्छा, अक्सर ऐसा दिखाया जाता है राधा कृष्ण की जो कहानियाँ आती हैं, धारावाहिक जो बनाए जाते हैं, उनमें ऐसा दिखाया जाता है कि राधा जी के हाथ से कृष्ण जी ने पौधा लगवाया था, तो वो वृंदा का पौधा था, तो वो उस जगह पे वृंदावन बना। तो क्या ये सही है? भगवान कृष्ण और राधा रानी, इन दोनों के प्राण जब एक हुए, जहाँ जहाँ चरण पड़े वहाँ वृक्ष पैदा हुए, उसको वृंदावन कहते थे। वृंदावन किसी गांव शहर को नहीं कहते थे। गांव शहर तो तब बसा जब हरिदास जी ने वृंदावन बिहारी को भूमि जमीन से प्रकट किया। वहाँ के बिहारी मंदिर बनाया, वो बनाया हरिदास जी के मूर्ति प्रकट होने के बाद। लेकिन यहाँ पर साधु संतों ने ब्रज के राजा, भगवान द्वारिका के राजा बने, तो ब्रज के राजा बने थे बलराम। तो बलराम को एक संतों ने अपने तपस्या से सिद्ध करके यहाँ स्थापित किया, तो ब्रज बसाया बलराम ने। और बलराम जब इस भूमि में भक्त को बुलाएगा तो अर्जेंट प्रोग्राम बना के लाएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ भूमि का राजा बलराम है। जब तक आपने वृंदावन बिहारी के दर्शन नहीं किए, तो आप इस धर्म भूमि के राजा का सम्मान नहीं किया, तो प्रजा में घूमते रहो, वहाँ के बिहारी के दर्शन करते रहो। सम्मान किया जाता है वृंदावन बिहारी का, भक्ति की जाती है कृष्ण की, तो बांके बिहारी की भक्ति होती है। भोग लगाया जाता है बलराम को, ब्रज के राजा को। वृंदावन के अंदर इतने सारे मंदिर हैं, तो कोई एक ऐसा मंदिर है जिसमें मतलब अगर कोई भक्त आ रहा है प्रथम बार आ रहा है, तो पहले अगर वही मंदिर में जाएगा तो ही उसकी मतलब जो आने की जो मनोकामना, जो भी सिद्धि है वो पूरी होगी? बिल्कुल होगी, वो वृंदावन बिहारी है। अच्छा, वृंदावन बिहारी मंदिर जो है वो मुख्य मंदिर है? मुख्य मंदिर है, यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर है, जो संतों ने मूर्ति को एक उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके, संतों ने उनको स्थापित करके ये ब्रज बसाया था, तो वृंदावन बिहारी कहते हैं। पुराना मंदिर है वृंदावन बिहारी मंदिर जो है? 5,500 वर्ष पुराना मंदिर है। आज का है क्या? किसने बनवाया? ये किसी ने नहीं बनवाया, ये साधु संतों का बनाया हुआ, एक सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा करके बलराम जी को जो स्थापित किया है, जिनके नाम से ये ब्रज बसा है, वो वृंदावन बिहारी बलराम है, जो ब्रज के राजा हैं, भगवान कृष्ण द्वारिका के राजा हैं। ये उनकी धर्म भूमि है, कर्म भूमि द्वारिका है। तो आपको कर्म और धर्म, इन दोनों में अंतर होता है। यहाँ आदमी धर्म करने आता है, लेकिन धर्म न करके वो यहाँ एक अपराध करता है, जो रिक्शे में घूम रहा है, यहाँ तुलसी वन पर उसके चरण पड़ रहे हैं, शरीर से लग रहे अपराध से मुक्ति तीर्थ का ब्राह्मण दिलाएगा। लेकिन आजकल तीर्थ के अपराध से मुक्ति दिलाते हैं रिक्शे वाले मुसलमान कसाई, ये कलयुग है, समझ गए? तो रिक्शा में घूमने से तीर्थ नहीं होता है, तीर्थ होता है यहाँ की कुंज गलियों की धूल पाने से, शरीर को पवित्र किया जाता है यहाँ राधे के चरणों की धूल पा के। अब आजकल रिक्शे में घूम के आदमी जा रहा है तो इंजॉय करने आया है, घूमना ही है तो ताजमहल और लाल किला घूमो, तीर्थ में आयो तो कुंज गलियों की धूल पा के शरीर को पवित्र करो। तो मतलब ये तो रही बात मंदिरों की, वृंदावन में, मथुरा में या गोवर्धन में जितने मंदिर हैं उनकी अपनी अलग आस्था है, अपना अलग मतलब मान्यता है। तो यहाँ का जो मतलब जो मंदिर से हटके जो इलाका है, जो क्षेत्र है, तो उसमें भी मतलब अगर प्रभु की सच्ची श्रद्धा करके अगर आदमी घूमेगा तो क्या मतलब वो कोई मनोकामना मानेगा तो पूरी हो जाएगी? जब तक वृंदावन बिहारी को भोग नहीं लगाओगे तब तक कुछ नहीं होना है। वृंदावन बिहारी को भोग लगाओगे तो भगवान भरोसे जीने वाले उस भोग को पाते हैं। जब कहाँ दवा काम नहीं आती, वहाँ दुआ काम आती है। ब्रज की गोपी और ब्रज की गाय नसीब साथ छोड़ दे तो ब्रज से बाहर जाए। तो यहाँ जब गाय बुजुर्ग हो जाती है तो वो भगवान भरोसे जीती है, उनकी गौशाला में जीती है, वहाँ बेची नहीं जाती है गाय। और यहाँ की बुजुर्ग महिला हो और वो कहीं भी विधवा हो जाती है, उसका कोई सहारा नहीं होता, तो वो बेसहारा हो जाती है। तो उनका सहारा है बलराम, वृंदावन बिहारी,
तो जो भगवान वृंदावन बिहारी को भोग लगाते हैं तो वो भगवान भरोसे जीने वाले खाते हैं, भगवान तो कभी नहीं खाते। जिस दिन भगवान खाने लगेंगे खिलाने वाला पैदा नहीं होगा। तो यहाँ पे जब वृंदावन बिहारी को भोग लगाओगे तब मनोकामना पूर्ण होती है भक्त की, और भक्त को यहाँ पे सिर्फ दर्शन करने मात्र से उसको कुछ नहीं होना है। वो एक अपराध और करके जाता है जो तुलसी वन पर चरण पड़ के अपने अपराध कर जाते हैं। तो यहाँ के अपराध से मुक्ति तीर्थ का ब्राह्मण दिलाएगा। राधे के चरणों की धूल पाके शरीर को पवित्र किया है, बाकी मनोकामना के लिए भगवान को भोग लगाया जाता है। पर जो भोग लगाते हैं उस भोग को भगवान नहीं खाते हैं। भगवान खाने लगे तो समझ लो फिर भगवान को खिलाने वाला पैदा नहीं होगा संसार में कोई। लेकिन जो भगवान भरोसे जीते हैं, जिनकी दुआ मिलती हैं, उससे भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। अब तुम बांके बिहारी में भोग लगाते हो, वहाँ भगवान भक्त के भगवान एक भाव को स्वीकार करते हैं, एक कृष्ण भक्ति होती है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि भोग बेशक सब लोग बलराम को लगाना चाहिए, भोग लगा वो ठाकुर जी जो हैं जो भोग नहीं लगाते हैं वो सिर्फ भाव देखते हैं, कृष्ण अंदर भाव है। तो कृष्ण तो भाव को स्वीकार करेगा, बलराम मनोकामना को पूर्ण करेगा। तो बांके बिहारी कृष्ण, वृंदावन बिहारी बलराम है, बलराम ब्रज के राजा हैं। राजा को फैसला लेने का अधिकार होता है, प्रजा को नहीं। तो भगवान कृष्ण भी आपके जब तक दर्शन मान्य नहीं करेंगे, जब तक उनके बड़े भाई बलराम का तुम सम्मान नहीं करोगे। मनोकामना पूर्ण तब होती है भक्तों की जब पहले बलराम का सम्मान करो, क्योंकि बलराम ब्रज के राजा हैं, भगवान कृष्ण द्वारका के राजा हैं। अब प्रजा में घूमने से प्रजा क्या करेगी, कृष्ण क्या करेगा, कृष्ण भाव को स्वीकार करेगा। तो भाव स्वीकार करने के लिए तो कृष्ण बैठा है, मनोकामना पूर्ण करने के लिए दाऊ दयाल बैठा है। देखी दाऊ तेरी वाणी, दूध का दूध पानी का पानी, तुरंत फैसला लेगा। कभी आपको तन मन धन से कोई कष्ट हो तो भोग लगाओ वृंदावन बिहारी को, और भक्ति करना है तो करो कृष्ण की, बांके बिहारी की। तो भक्ति होती है वो पल भर में आँख बंद करके कृष्ण को पाया जा सकता है, लेकिन भगवान को भोग लगाने के लिए तो फिर भोग कहते हैं। जो तीर्थ में लगाए भोग वो काय के पाए रोग, तीर्थ में जो भोग लगाए हैं वो काय के पाए रोग। आदमी कष्ट कब पाता है, जब अपने कर्मों की सजा भुगतता है।